Hello everyone, good morning. I hope I'm audible properly. ओके चलो तो फिर लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्लास फॉर FMP. So this paper is basically going to be all about finance and capital markets primarily. And हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ कैपिटल मार्केट्स बैंक से. स्क्रीन दिख रहा है सबको? एंड आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल विथ सम हिंदी हियर एंड देयर. ग्रेट. चलो तो वी विल कीप दिस क्लासेस वेरी वेरी इंटरैक्टिव बिकॉज ऑल ऑफ यू आर अपीयरिंग फॉर FRM. कहीं ना कहीं आप लोग को आई एम श्योर बेसिक लेवल नॉलेज होगा अबाउट दिस वर्ल्ड. तो अकॉर्डिंग टू यू ऑल, व्हाट डू बैंक्स डू? व्हाट इज द बिजनेस मॉडल फॉर बैंक्स? प्लीज अनम्यूट योर सेल्व्स एंड आंसर, क्योंकि इट्स अ लिटिल इनकन्वीनियंट बार बार चैट बॉक्स में जाके चेक करना. They simply take in deposits and lend out loans to the ones, okay, like the ones that need loans. And how do they earn money? By the difference of interest. Okay, very good. तो बेसिक मॉडल जो होता है बैंक्स का, लाइक एकदम अगर हम लोग ग्राउंड लेवल बात करें, बैंक्स एक्सेप्ट मनी और एक्सेप्ट डिपॉजिट. एंड ये जो डिपॉजिट्स होते हैं इनको यूज करके दे एडवांस लोन्स. अब ऑब्वियसली वी नो कि डिपॉजिट्स एंड लोन्स दोनों आर ऑफ लॉट्स ऑफ टाइप्स. डिपॉजिट्स कैन बी इन द नेचर ऑफ fixed deposits, current account, savings account, recurring deposits, etc. Plus they can also raise like they can also issue bonds, etc. But mainly let's focus on business. So revenue operations में ये सब होता है sources of deposits. And then using these funds they advance loans, which means the money which they are getting, let's say deposits पे, if they are paying मान लो savings bank पे approximate 4% return होता है. I'm talking about India. And FD पे मान लो 6-7% की तरफ, okay, round about ये rates रहते हैं. जो loans उन लोग advance करते हैं, which means the money which they are getting, then they are giving it to other people to use it. तो वो loans उन लोग देते हैं, depending on what loan it is, they can give at 9%, they can give at 11%. अलग अलग loans का अलग अलग rates होते हैं. Okay, some loans are very low interest rates also, but it's all dependent on what kind of loan it is, what kind of tenure, purpose, etc. Okay, so ये जो difference है, this difference is called net interest margin. Net interest margin. ये जो net interest margin है, this is the profit for the bank. This is the profit for bank. इस profit में इन लोग they use this for profitability, administration costs, everything. Okay, मतलब you can think कि somewhat gross profit समझ सकते हो आप इसको bank का. Okay, but banks don't do just this. इसके अलावा also there are lots of services which they provide to their customers. Okay. प्राइमरीली बैंक्स को टू में डिवाइड किया जाता है. वन इज कमर्शियल बैंकिंग, जहाँ पे ये वाला काम होता है मेनली, लाइक दिस इज द मेन बिजनेस फॉर कमर्शियल बैंकिंग, एंड द अदर इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. ओके, चलो कमर्शियल बैंकिंग तो हम लोग कर लिए. कमर्शियल बैंकिंग का भी टू टाइप्स होते हैं, देयर इज रिटेल एंड देयर इज होलसेल. जब हम लोग नॉर्मल मार्केट्स का भी बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट एनी इंडस्ट्री, रिटेल एंड होलसेल में क्या होता है, रिटेल में होता है तो डायरेक्टली कस्टमर के पास जा रहे हैं सर्विसेज या प्रोडक्ट्स. होलसेल में इट इज गोइंग टू सम अदर बिजनेस which is using the products or services to further provide it to someone else. And क्या होता है होलसेल का whole model is that costs are lower because volume is high. होलसेल का यही फंडा होता है that costs will always be lower because economies of scale होगा and volume होगा. ओके, तो यहाँ पे भी यही होता है कि रिटेल बैंकिंग जो है वो यूजुअली केटर करता है टू कस्टमर्स डायरेक्टली. कस्टमर्स एज इन द क्लाइंट्स आर यूजुअली इंडिविजुअल क्लाइंट्स या फिर स्मॉलर क्लाइंट्स. होलसेल बैंकिंग में दे टारगेट बिग कॉर्पोरेट्स, बिग ऑफिसेस, जहां पे दे प्रोवाइड अ बंडल ऑफ सर्विसेज. एंड वो पूरा बंडल ऑफ सर्विसेज में उन लोग को बेनिफिट क्या होता है, दे डू इट एट लोअर रेट्स, बट उन लोग का पर जो भी बोलो, डॉलर में बात करते हैं अगर, पर डॉलर एडमिन कॉस्ट गोज डाउन बिकॉज एक सिंगल सोर्स से उनको बहुत बिजनेस मिल रहा है, राइट. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अकॉर्डिंग टू यू ऑल? Yes, anyone? बहुत ही ट्रेंडिंग टर्म है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. एनी आइडिया व्हाट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अबाउट? व्हाट हैपेंस इन आईबीज? नो. ओके, तो देखो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो फ्रॉम कमर्शियल बैंकिंग. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या क्या काम होता है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में वी हैव थिंग्स लाइक रेजिंग कैपिटल. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आप समझ लो इज समवॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड वर्क नंबर वन, एंड नंबर टू एडवाइजरी सर्विसेज. ओके, तो इट हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल वेदर इक्विटी और डेट. तो कंपनीज इनके पास जाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इनफैक्ट कोई भी कंपनी जब आईपीओ लॉन्च करते हैं तो दे विल अप्रोच एन इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर नंबर वन समझने के लिए कि क्या रूट से रेज करना चाहिए, कितना कैपिटल रेज करना चाहिए, एटसेट्रा. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डन बाय एन इन्वेस्टमेंट बैंक. देन दे हैव एडवाइजरी, स्पेशली ऑन टॉपिक्स लाइक मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. तो अगर आज कोई बिजनेस को किसी और बिजनेस को अक्वायर करना है तो दे विल ऑब्वियसली नीड एडवाइजरी. यू कैन नॉट गेट अप वन फाइन डे एंड से कि आज मेरे को लेट्स से रिलायंस को कोई बिजनेस को अक्वायर करना है. रिलायंस हैज बीन अक्वायरिंग वेरी वेरी अग्रेसिवली. सो इफ रिलायंस वांट्स टू अक्वायर सम बिजनेस और दे वांट टू मर्ज एन अदर बिजनेस इनटू देयर ओन एंटिटीज, तो दे विल हैव टू ऑब्वियसली नंबर वन डिसाइड कि कौन से बिजनेस को करना है एक्वायर. नंबर टू दे विल हैव टू डिसाइड हाउ टू अप्रोच देम. नंबर थ्री दे विल हैव टू डिसाइड ऑन अ परचेज कंसिडरेशन कि कितना रुपया देके, क्योंकि कोई भी अपना बिजनेस ऐसे ही नहीं देगा. यू विल हैव टू पे सम वैल्यू टू इट. तो वो कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द परचेज कंसिडरेशन, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो कि वो परचेज कंसिडरेशन कैसे दिया जाए. सारा टर्म्स एंड कंडीशंस ले डाउन करने के लिए एडवाइजरी सर्विसेज मिलेगा. परचेज कंसिडरेशन कैसे हो सकते हैं, आज अगर कोई बिजनेस दूसरे बिजनेस को अक्वायर कर रहे हैं, सो देर आर मल्टीपल वेज इन विच दे विल पे आउट द ओल्डर बिजनेस। पहला वे होता है कि उन लोग सीधा कैश देते हैं, विच मीन्स जो भी प्रमोटर्स हैं या जो भी शेयर होल्डर्स हैं ऑफ लेट्स से मान लो कंपनी एक्स है एंड कंपनी वाई है, कंपनी एक्स wants to acquire X, yes, so let's say अगर कंपनी X है वो कंपनी Y को acquire करना चाहते हैं, तो कंपनी एक्स कैन ईदर गिव कंपनी वाई कैश, और वाई तो एक कंपनी है तो किसको देगा कैश? शेयर होल्डर्स एंड प्रमोटर्स को, जो भी होगा शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज। मेनली इन पे फोकस किया जाता है ऑन एनी एक्विजिशन, कैश दे दिया। सेकेंड ऑप्शन इज जो मर्ज्ड एंटिटी होगा एक्स वाई, लेट्स से मर्ज्ड एंटिटी एक्स वाई होगा, उसका शेयर्स दे दिया, शेयर्स ऑफ एक्स वाई दे दिया टू द शेयर होल्डर्स इन सम रेशियो। अब वो रेशियो कैसे डिसाइड होगा? यूजुअली अभी आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल अ ब्रॉड आइडिया ऑफ व्हाट हैपेंस। यूजुअली क्या होते हैं, वाई का बैलेंस शीट होता है, राइट? यहाँ पे एसेट्स होगा, यहाँ इक्विटी होगा, यहाँ लाइबिलिटीज होगा। अब ऑब्वियसली बहुत सारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऐसा होगा जो रीवैल्यू करना पड़ेगा। आफ्टर रीवैल्यूएशन, आफ्टर सीइंग व्हाट लाइबिलिटीज आर एक्चुअली गोइंग टू बी इन, व्हाट एसेट्स आर एक्चुअली गोइंग टू बी इन कैश, व्हाट लाइबिलिटीज एक्चुअली हैव टू बी मेट, सब वैल्यूएशन होने के बाद ब्रॉडली दे अराइव एट एन एसेट माइनस लाइबिलिटी पोजिशन, प्लस प्लस कोई अगर प्रीमियम देना है, इफ एनी प्रीमियम हैज टू बी पेड। क्योंकि ऑब्वियसली प्रीमियम क्यों देंगे, आज अगर मान लो रिलायंस गारमेंट्स में, ठीक है, गारमेंट्स में है, इफ दे वांट टू अक्वायर अ लेट्स से कॉटन मिल और कॉटन फैक्ट्री, तो ये क्या होएगा? रिलायंस के लिए सिनर्जी है, देयर इज सिनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन M&A। सिनर्जी क्या होते हैं कि जब टू बिजनेसेस मिल रहे हैं तो इट्स लाइक एक्स प्लस वाई इज लेस देन एक्स वाई, विच मीन्स द एंटिटी वो जब एक्स वाई बन जाएगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअली देयर वैल्यूज। ओके, तो शेयर्स दे देंगे एक्स वाई का डिपेंडिंग ऑन जो भी रेशियो डिसाइड होगा, जो भी वैल्यू डिसाइड होगा, या फिर दे कैन ऑल्सो पुट इन टर्म्स एंड कंडीशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बार क्या होता है, डायरेक्टर्स को बोल दिया जाता है, डायरेक्टर्स को कुछ ईसॉप्स दे दिया जाता है, या फिर डायरेक्टर्स को कोई ऐसा बेनिफिट दे दिया जाता है कि लेट्स से अगर कमिंग 3 years में हम लोग का जो अर्निंग पर शेयर है वो मान लो 20 रुपीज से ज्यादा हुआ, देन वी विल गिव यू Z बेनिफिट। ठीक है, ये सब टाइप से दिए जाते हैं। अब जो ये मर्जर एंड एक्विजिशन होगा, ये सारा चीज जो है सिनर्जी का वैल्यू डिसाइड करना, ये A माइनस एल प्लस प्रीमियम डिसाइड करना, स्पेशली प्रीमियम डिसाइड करना, एसेट्स लाइबिलिटीज को रीवैल्यू कराना, डिसाइड करना कि किस फॉर्म में हम लोग का परचेज कंसिडरेशन जाएगा, ऑल ऑफ दीज आर डन बाय द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग विंग ऑफ ऑल द बैंक्स। ठीक है, एंड फाइनली एक और है ब्रोकर डीलर सर्विसेज, विच मीन्स क्लाइंट्स के बिहाफ पे ब्रोकिंग भी हो सकता है। ब्रोकर्स क्या होते हैं कि आज फॉर एग्जाम्पल आपका डीमैट अकाउंट है, you will always open a demat account with some broker, क्योंकि आप डायरेक्टली NSDL CDSL पे नहीं होगे, there will always be a broker in between जो आपके बिहाफ पे ट्रेड करेगा, क्योंकि उसके पास लाइसेंस है, लाइसेंस आपके पास नहीं होता है, लाइसेंस इज विद द ब्रोकर broker will do it on your behalf, आप जो भी trade करना चाहते हो, and the broker will charge a brokerage fee. Okay? Any doubts up till here? Clear है कि क्या हो रहा है? Anything जो आपको लग रहा है कि बहुत in-depth है या फिर और in-depth चाहिए कुछ? नहीं, it's fine. Okay, चलो. Now, ये तो हो गया बैंकिंग का ओवरव्यू कि बैंकिंग में होता क्या, राइट? Now let's look at the risks in banking. आप लोग के हिसाब से बैंक्स को क्या रिस्क होगा? एक एग्जांपल देते हैं. ओके, चलो. बैंक्स के पास मान लो $100 मिलियन पड़ा हुआ है. बैंक उसको किया इन्वेस्ट. मान लो लेट्स से इट इन्वेस्टेड इन ट्रेजरी बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स एंड थोड़ा सा इक्विटी खरीद लिया, थोड़ा सा टी बिल्स खरीद लिया. यहाँ पे इस एक्टिविटी से, क्योंकि ऑब्वियसली बैंक के पास भी सरप्लस फंड तो पड़ा हुआ हो ही सकता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज होते हैं बैंक से. व्हाट रिस्क विल अराइज फ्रॉम हियर? इक्विटी में मार्केट रिस्क रहेगा. ओके, वेरी गुड. मार्केट रिस्क. बैंक्स आर एक्सपोज टू हाई लेवल्स ऑफ मार्केट रिस्क. ये इक्विटी में हुआ. सिमिलरली बैंक्स ऑल्सो डील इन अ लॉट ऑफ फॉरेक्स. दे गिव फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज ऑल्सो. तो वहां पे बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस अगेन मार्केट रिस्क विल कम इन. कमोडिटीज में अगर इन्वेस्ट किया है वहां पे भी मार्केट रिस्क है. इंटरेस्ट रेट, पूरा बैंक इंटरेस्ट रेट पे चलते हैं. टी बिल्स में भी अगर करेंगे, चलो टी बिल्स में फिर भी शॉर्टर टर्म होते हैं तो इंटरेस्ट यूजुअली मोर और लेस फिक्स रहते हैं. बट बैंक्स आल्सो इन्वेस्ट इन लॉन्गर टर्म, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, ये सब में भी करते हैं. तो इंटरेस्ट रेट्स भी चेंज होंगे, तो इसीलिए वहां से भी मार्केट रिस्क आएगा. तो ऑल ऑफ दीज वेरिएबल्स, तो आई एम जस्ट राइटिंग एग्जाम्पल. इक्विटी प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट्स एंड फॉरेक्स, ये थ्री मेन होते हैं. ये थ्री मेन सोर्सेस होते हैं फॉर मार्केट रिस्क इन एनी बैंक, राइट? Yes, got it. अब एक बैंक है, मान लो लेट्स से वो डिपॉजिट लिया, 5 years का डिपॉजिट है, which means after 5 years the bank has to repay the money. Let's say $10 मिलियन का डिपॉजिट है. 5 साल के बाद बैंक को रिटर्न करना है ये मनी. चलो 10 मिलियन ज्यादा हो गया थोड़ा, लेट्स कीप इट एट 1 मिलियन. 1 मिलियन का डिपॉजिट है फॉर 5 years. 5 years बाद बैंक विल हैव टू रिटर्न द मनी. नाउ ये जो रुपया है बैंक के पास, ये 1 मिलियन वो 5 वर्ष तक अपने पास तो रखेगा नहीं. इट विल यूज इट टू एडवांस लोन्स. अकॉर्डिंग टू यू क्या टाइप का लोन बैंक को एडवांस करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्ले सेफ? टू टू 3 years का या फिर मैक्सिमम 4. 2 to 3 years या मैक्सिमम 4 years. Okay. Anyone else? ठीक है, देखो ideally banks should advance loans of approximately 4 to 5 years. इसको हम लोग बोलते हैं एसेट लायबिलिटी मैचिंग. दिस इज कॉल्ड एसेट लायबिलिटी मैचिंग. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फाइनेंस. ओके, जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ोगे ALM इज ऑलवेज गोइंग टू कम अप, क्योंकि ALM के हिसाब से क्या होना चाहिए, आपके जो लायबिलिटीज हैं, योर एसेट्स शुड फॉलो द पाथ ऑफ योर लायबिलिटीज एज मच एज पॉसिबल. तो क्या होगा, लेट्स से अगर हम लोग, चलो 2 years इज लाइक मिड रेंज, मान लो अगर जो बैंक है वो देता है 1 year लोन, ठीक है, 1 year लोन दिया, 1 साल के बाद बैंक के पास ये रुपया वापस आ गया, फिर उसके बाद बैंक क्या करेगा, 4 years और बैंक को यूज करना है, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है एक और 1 year लोन दे देगा, एक और 1 year लोन दे देगा. अब क्या होता है, आप लोगों को क्या लगता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लो इंटरेस्ट रेट्स कब हायर होते हैं लोन पे, शॉर्ट टर्म लोन पे ज्यादा हाई होते हैं कि लॉन्ग टर्म पे ज्यादा हाई होते हैं? लॉन्ग टर्म पे ज्यादा हाई होते हैं, राइट? तो लॉन्ग टर्म लोन्स पे ज्यादा, अच्छा एनीवन व्हाई लॉन्ग टर्म पे क्यों ज्यादा हाई होंगे? मे बी बिकॉज रिस्क ज्यादा है डिफॉल्ट का, राइट? रिस्क ज्यादा है, हाँ, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलते हैं. बट एट द सेम टाइम रिस्क इज ऑल्सो वेरी हाई इन लॉन्ग टर्म, कंपेरेटिवली हायर इन लॉन्ग टर्म. प्लस जो लॉन्ग टर्म लोन्स, होते हैं उनको फंड करना इज टफ, बिकॉज आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्लाइंट्स बहुत मुश्किल से मिलेंगे. शॉर्टर टर्म के लिए लेट्स से अगर आपको 3 month 6 months के लिए अगर देना है तो उसके लिए आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे. सो बिकॉज ऑफ दिस द बैंक में गेट टेम्प्टेड एंड प्लस बैंक को लगता है कि 3 months में रिस्क भी लोअर है, तो इसीलिए उन लोग क्या करेंगे, दे माइट गेट टेम्प्टेड एंड दे इशू 1 year लोन. उन लोग 1 year लोन इशू कर दिए, बट 1 साल बाद जब रुपया वापस आया, मान लो फर्स्ट टाइम उन लोग 1 year लोन दे दिए एट 8% पर एनम. अगली बार तक हो सकते हैं 1 साल बाद तो उन लोगों को पूरा टर्म्स रिन्यू करना पड़ेगा. देन इट माइट हैपन कि मार्केट रेट्स के हिसाब से 7.5% पे ही डाल पा रहे हैं हम लोग लोन. दिस इज वन रिस्क, इसको बोलते हैं रीइन्वेस्टमेंट रिस्क. ये कस्टमर साइड से ज्यादा होता है, बट बैंक्स ऑल्सो फेस इट, क्योंकि उन लोग अगर मैच नहीं कर पा रहे हैं तो रीइन्वेस्टमेंट रिस्क अराइज होगा. प्लस एक और चीज होगा, एक और चीज बैंक कर सकते हैं. व्हाट बैंक्स कैन डू इज, बैंक्स को अपना लिक्विडिटी मेंटेन करना होता है, दे हैव टू मेंटेन सर्टेन लिक्विडिटी अमाउंट्स, रेशियोज मेंटेन करने होते हैं कि इतना परसेंट लिक्विडिटी होना चाहिए आपके बुक्स में. इसको मेंटेन करने के लिए दे कैन ऑल द मोर इशू लेट्स से 3 month bills इशू कर सकते हैं टू रेज द फंड्स. ओके, ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑपोजिट सिनेरियो का. ऑपोजिट सिनेरियो क्यों, मान लो बैंक को देना है, दे वांट टू एडवांस. अभी हम लोग स्टार्ट किए थे कि हम लोग के पास डिपॉजिट है, उसको हम लोग को यूज करने हैं. This time we start with bank wants to advance, let's say 5 million loan for 5 years. अब इसके लिए बैंक को फंडिंग उठाना पड़ेगा। बैंक आइडियली क्या करना चाहिए, बैंक को 5 इयर्स का डिपॉजिट लेना चाहिए। दिस इज द आइडियल वे, बट अगेन 3 month bills are more liquid. 3 month bills are more liquid. They are safer. They are lower cost. All benefits in 3 month bills. उन लोग क्या किए, 3 month bills इशू किए। उन लोग को लगा कि आफ्टर 3 months they will have to repay these bills. करेक्ट, जो भी रुपया दिया बैंक को उसको बैंक को वापस देना पड़ेगा 3 महीना में। बैंक को लगा we will reissue after 3 months and use proceeds to repay, use proceeds to repay, right? ये बैंक का प्लानिंग था। What about default risk? Number 1 and number 2. चलो डिफॉल्ट रिस्क, यहाँ पे डिफॉल्ट रिस्क के लिए वी लुक एट अनदर एग्जाम्पल, बट हाँ अगेन यहाँ पे एग्जैक्टली रीइन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं, बट ये रिस्क जरूर अराइज होगा कि बैंक को सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग सेम रेट पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बैंक क्या करने का कोशिश कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू रोल ओवर द बिल्स कि 3 months का आ रहा है, उसके लिए वी आर इशूइंग अनदर सेट ऑफ 3 months एंड यूजिंग इट टू रीपे। तो उन लोग रोल ओवर करने का ट्राई कर रहे हैं, बट हो सकता है हमेशा कि रोल ओवर सेम रेट पे नहीं हो, तो रोल ओवर रिस्क आएगा। ओके, तो अभी तक वी हैव डन मार्केट रिस्क, रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, रोल ओवर रिस्क। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक्स लोन्स देते हैं, उनका पूरा काम डिपेंड करता है लोन्स पे। What is the biggest risk over here? आप किसी को भी रुपया दे रहे हो तो आपके लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है? डिफॉल्ट करने का। डिफॉल्ट करने का, तो क्रेडिट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क। दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग रिस्क फॉर बैंक्स। इसके लिए banks always provide for this risk. In fact, banks provide for market, credit, and अभी last हम लोग करेंगे operational. These 3 risks have to be provided for as per regulations. ये आपको measure करके incorporate हमेशा करना पड़ेगा। तो credit risk हुआ। Lastly, if we talk about operational risk, what could be operational risks? Yes, words पे जाओ, operations से। operations में क्या रिस्क आ सकते हैं बैंक को? मतलब जो भी वर्कर्स हैं उनके साइड से कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल, द पीपल इन द बैंक, उनके कारण कोई फेलियर हुआ। और क्या रीजंस हो सकते हैं ऑपरेशंस में? सिस्टम एरर। ओके, सिस्टम्स, गुड। व्हाट एल्स? फ्रॉड्स, मे बी फ्रॉड्स, फ्रॉड। ठीक है, पीपल एक एस्पेक्ट है। फ्रॉड में एक चीज आप बोल सकते हो, इंटरनल प्रोसेसेस हैव फेल्ड, बेसिकली सर्कमवेंट हो गए। What else? Anything else you can think of? External event risk. Very good. any external events. तो operational risks का 7 categories होते हैं. First is internal fraud. Internal fraud में क्या हो रहा है? Internal fraud में basically जो employees हैं बैंक के, जो बैंक के ही लिए काम कर रहे हैं, they are doing some fraud. What can they do? They can run some trades जो allowed नहीं है या बैंक से छुप के कर रहे हैं, और they can sanction loans against the bank's policies. Sorry. कोई कुछ बोल रहा है? ओके, तो इंटरनल फ्रॉड बेसिकली बैंक के खुद के एम्प्लॉइज कर रहे हैं. ओके, दिस कैन बी ट्रेडर्स एग्जीक्यूटिंग अनवारंटेड ट्रेड्स, इट कैन बी एम्प्लॉइज सैंक्शनिंग लोन्स विच आर अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द बैंक. एक्सटर्नल फ्रॉड क्या होगा? एक्सटर्नल फ्रॉड में आपका जितना भी साइबर अटैक्स होता है, फिशिंग होता है एटसेट्रा, ऑल ऑफ दीज प्लस रॉबरीज हो गए, ऑल दीज आर एक्सटर्नल फ्रॉड्स. Then we have damage to physical assets. यहाँ पे आते हैं यूजुअली एक्सटर्नल इवेंट्स या नेचुरल इवेंट्स समझ लो. सॉरी, डैमेज टू फिजिकल एसेट्स. मान लो अर्थक्वेक आ गया, बैंक का एक बिल्डिंग में क्रैक आ गया या बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन ऑपरेशनल रिस्क. फ्लड आ गया या फिर फायर लग गया, ऑल ऑफ दीज आर डैमेज टू फिजिकल एसेट्स. देन देयर इज ऑब्वियसली सिस्टम फेलियर्स. इसके लिए बैंक्स हैव टू मेंटेन अ डिजास्टर रिकवरी प्लान. तो सिस्टम फेलियर्स हो सकते हैं क्योंकि एंड सिस्टम मीन्स हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर. ओके, तो हो सकता है कि कोई सर्वर डाउन हो गया, तो उससे जितना भी नेट बैंकिंग है वो अफेक्ट हो रहा है, और एल्स हो सकता है कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में कोई इशू हो गया, तो उसके लिए हो सकता है जितना भी टेलीफोनिक एक्टिविटीज हो रहा था, लेट्स से कंफर्मेशंस हो रहे थे या ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे थे, वहां पे प्रॉब्लम हो गया. फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जब मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश कर रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ा था, जब बहुत वोलेटिलिटी आया था मार्केट में, तो बहुत सारे ब्रोकर्स के सिस्टम्स फेल हो रहे थे, बिकॉज ऑफ विच पीपल वर नॉट बीइंग एबल टू एग्जीक्यूट देयर ट्रेड्स. तो सिस्टम फेलियर्स हो गए. उसके बाद देयर इज ऑलवेज एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस. एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस या फिर सेफ्टी एंड हेल्थ, दोनों बोल सकते हो. यहाँ पे आपके एम्प्लॉइज को आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ रहा है, मे बी देर आर इंजरीज, देर आर मान लो अभी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर बहुत फोकस है, तो पॉश के अंदर आपका कुछ हो गया है, तो वहां पे यू हैव टू कॉम्पेंसेट. ऑल ऑफ दीज ऑल्सो कम अंडर ऑपरेशनल रिस्क ओनली, बिकॉज एज पार्ट ऑफ बैंक्स ऑपरेशंस ओनली ऑल दिस इज हैपनिंग. देन वी हैव क्लाइंट्स, प्रोडक्ट्स या फिर बिजनेस प्रैक्टिसेस. तो पहला वाला हम लोग बोल रहे थे एम्प्लॉइज के साथ कुछ गलत हो गया, सेकेंड वाले में हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का क्लाइंट्स या जो भी बिजनेस है उसमें कुछ गलत हो गया, फॉर एग्जाम्पल मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, राइट. दिस इज देयर, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6. लास्ट वन इज एग्जीक्यूशन, डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट. ओके, यहाँ पे क्या होगा? ये सब होगा बेसिकली, मान लो लोन नंबर में लोन अमाउंट गलत लिख दिए, जो एम्प्लॉय था वो गलत लोन अमाउंट लिख दिया, डेटा एंट्री में एरर हो गया, या फिर डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो गया, कोई डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग चला गया, तो ये सब चीज आएगा अंडर एग्जीक्यूशन, डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट. ओके, नाउ सिंस दिस इज मोस्टली अ थियोरेटिकल चैप्टर, तो नंबर 1 ये थोड़ा सा लेंदी बोरिंग लग सकता है, बट नंबर 2 बिकॉज इट्स थियोरेटिकल आपको एमसीक्यूज में ये सब पूछा जा सकता है. दे माइट आस्क यू कि क्लासिफाई अ पर्टिकुलर रिस्क, जो भी इवेंट हुआ है कि वो क्या टाइप का रिस्क को अराइज कर रहे हैं. तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड ऑल दिस वेल एंड यू ऑल्सो मेमोराइज टू सम एक्सटेंट कि क्या क्या होते हैं. Okay, understanding as well as memorizing is important in some these chapters. इसके बाद we have strategic risk and reputational risk. Strategic risk में क्या होएगा? बैंक के business strategy में कोई problem है, some strategy has failed. बैंक let's say कोई नया product launch किया, वो product एकदम नहीं काम किया, इट रैन इनटू ह्यूज लॉसेस, स्ट्रेटेजिक रिस्क. रेप्यूटेशनल रिस्क इज बैंक डूइंग एनीथिंग व्हिच इज गिविंग अ क्वेश्चन ऑन द रेप्यूटेशन. रिमेंबर बैंक्स के लिए रेप्यूटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आज आप कोई भी स्मॉल बैंक में जल्दी से अपना रुपया नहीं डालोगे बिकॉज बैंक्स आर पीपल यू आर ट्रस्टिंग योर मनी विथ. तो दैट हैज टू बी वेरी वेरी हाईली रेप्यूटेड. आज कोई भी बैंक के बारे में, इनफैक्ट लेट मी यहाँ पे किसी को सिलिकॉन वाली बैंक एंड अमेरिका में जो भी लास्ट ईयर बैंक्स का हुआ था उसके बारे में किसी को पता है? बैंक रन्स हुए थे, एनीवन हियर अवेयर ऑफ दैट? ओके, तो शॉर्ट में आई विल जस्ट टेल यू व्हाट हैपेंड वाज कि जो बैंक्स थे उन लोग को a lot of them had invested in T-bills. ओके, अब क्या हुआ, सडनली थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रंच आया, दे हैड टू सेल ऑफ देयर T-bills. लिक्विडिटी क्रंच आने का भी बहुत सारे रीजन था, वो सब बैक स्टोरी वी विल डू इन डिटेल. वन डे आई विल टेल यू ऑल 3-4 मेजर केस स्टडीज जो हुए थे उन सब के बारे में आई विल टेल यू ऑल इन डिटेल एंड आई विल शो यू ऑल सम वीडियोस आल्सो. तब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट बेसिकली क्या हुआ था, बैंक्स को लिक्विडिटी क्रंच के कारण दे हैड टू सेल ऑफ देयर T-bills एंड इंटरेस्ट रेट सिचुएशन के कारण T-bills हैड टू बी सोल्ड एट वेरी वेरी लो प्राइसेस, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रेस सेलिंग हुआ था. ये हुआ एक बैंक के साथ. अब जब ये हुआ, बैंक्स कुडंट मीट लायबिलिटीज, तो बैंक्स कुडंट मीट द लायबिलिटीज क्योंकि उन लोग का लिक्विडिटी नहीं मैच हुआ. इससे क्या हुआ, बैंक रन होने लगा. बैंक रन होने लगा. बैंक रन क्या होता है? बैंक रन होता है जब सारे क्लाइंट्स आर वांटिंग टू विड्रॉ देयर मनी एट वन टाइम. तो इसीलिए बैंक रन होने लगे. बैंक रन क्यों होने लगे? क्योंकि मार्केट में ये बात फैल गया. मार्केट में ये बात फैल गया कि बैंक्स आर हैविंग टू डिस्ट्रेस सेल देयर ट्रेजरी बिल्स एंड एसेट्स एंड उनका लिक्विडिटी नहीं मीट कर पा रहे. तो ऑब्वियसली आज आपका अगर एक्स बैंक में रुपया डाला हुआ और आपको ये न्यूज मिलने आएगा कि इस बैंक के पास रुपया का कमी है, तो आप क्या करोगे? आप चाहोगे कि सबसे पहले यू गो एंड यू एटलीस्ट रियलाइज योर मनी वॉट एवर इज केप्ट इन द बैंक. तो इसीलिए बैंक रन होने लग गए. ओके, सो दिस इज वॉट रेप्यूटेशन रिस्क डज टू अ बैंक. एंड ऑब्वियसली बैंक जब नहीं मीट कर पाएगा उस लिक्विडिटी को, दैट टाइम दे विल हैव टू डिक्लेयर बैंक्रप्सी क्योंकि दे डोंट हैव द मनी टू मीट द लायबिलिटीज. हो सकता है पूरे बैंक्रप्सी तक नहीं जाए, पर एक बार के लिए मॉरिटोरियम में तो जाना ही पड़ेगा. ओके, क्लियर है यहाँ तक? किसी को भी कोई डाउट? ओके, सिंस वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ बैंक रन्स, लेट्स कवर वन मोर टॉपिक. इस वर्ड से क्या समझ आ रहा है? What do you think is deposit insurance? जो हम लोग बैंक में डिपॉजिट करें उसका भी इंश्योरेंस होगा। यस, राइट। आई नो थोड़ा सा अजीब लगता है सुन के कि इस चीज का भी इंश्योरेंस, बट बिकॉज ऑफ बैंक फेलियर्स सम कंट्रीज, ये सब कंट्रीज में नहीं होता है, यूएस में है। तो यूएस में यूजुअली अराउंड $250,000 के आसपास का होता है इंश्योरेंस लिमिट, मतलब कवरेज 250,000 के आसपास का होता है। तो बेसिकली द मनी विच यू आर कीपिंग इन द बैंक इन द इवेंट ऑफ बैंक फेलियर, इफ यू आर अनेबल टू गेट योर मनी, देन जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर है दे आर गोइंग टू कॉम्पेंसेट यू। ओके, तो ये होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस, एंड मेनली यूएस में बहुत प्रेवलेंट है। बट इसका ड्रॉबैक क्या आएगा, क्या लगता है? व्हाट विल बी द ड्रॉबैक ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस? हाई प्रीमियम्स नहीं, मतलब वो तो इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस ही है ना, उन लोग प्राइसिंग वैसे ही करेंगे, हाई नहीं होगा। रिस्क क्या होगा कि इंश्योरेंस ले लिए, लेट्स से आई एम रनिंग अ बैंक, मेरे सब कस्टमर्स डिपॉजिट इंश्योरेंस ले चुके हैं अपना, तो व्हाट विल बी द रिस्क इन सच अ सिचुएशन? अच्छा, थोड़ा सा सिंपलर लेवल पे आते हैं। यू हैव बॉट अ कार एंड आपने वो कार का इंश्योरेंस ले लिया, एंड इंश्योरेंस कंपनी ने बोल दिया आपके गाड़ी को कुछ भी होगा, या फिर चलो कार भी छोड़ो, फोन का बात करते हैं, फोन पे इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, प्रीमियम दे दिया, एंड इंश्योरेंस कंपनी बोल दिया फोन को कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर वारंटी के अंडर कवर्ड है नहीं है, एनीथिंग हैपेंस टू द फोन, we will reimburse you any costs which you have to incur. तो what is the risk over here? ऐसा सिचुएशन में क्या होने का डर है? What will you do? Won't you start becoming very careless with your phone? कोई फ्रेंड बोलेगा कि चलो ट्राई करते हैं ये फोन एक्चुअली वाटरप्रूफ है कि नहीं, आपका तो डर खत्म है, आप डाल दोगे उसको पूल में, लेक में, बिकॉज यू नो कि द इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू रीइंबर्स यू, दे डोंट केयर व्हाट हैपेंड टू योर फोन, कुछ भी होने से उन लोग रीइंबर्स कर रहे हैं, उन लोग नहीं चेक करेंगे कि आप किस सिचुएशन में जाके ये किए हो, राइट, बिकॉज यू नो कि आपका रुपया नहीं लगने वाला इसमें। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड मॉरल हैजर्ड, and this is a very big risk for insurance companies. Okay, क्या होता है कि moral hazard मतलब you are going basically against your morals, it's directly affecting your morals, that because you have someone else paying the amount for your activities you can indulge in whatever you want. समझ में आया moral hazard क्या होता है? अब इस example को base लेके try एंड फिगर आउट कि डिपॉजिट इंश्योरेंस में मॉरल हैजर्ड क्या हो सकता है। एनीवन? पहले तो मेरे को ये पता मॉरल हैजर्ड किसके, ऑन हुज पार्ट विल द मॉरल हैजर्ड टेक प्लेस, यहाँ पे बेनिफिट पे कौन आएगा? जो डिपॉजिटर है वो तो अपना रुपया रख चुका है बैंक में, वो अब उसका कुछ नहीं कर सकता, रुपया किसके हाथ में है? बैंक के पास है। अब बैंक क्या करेगा उस रुपया का? जब बैंक को पता चल जाएगा कि डिपॉजिटर हैज टेकन डिपॉजिट इंश्योरेंस, द बैंक विल स्टार्ट टेकिंग अप हायर रिस्क, क्योंकि बैंक को पता है कि बैंक अगर नहीं मीट कर पाया बैंक अगर नहीं मीट कर पाया डिपॉजिटर के डिमांड को, व्हेन द डिपॉजिटर कम्स आस्किंग बैक फॉर द मनी, then the bank is stress free because they know that even if I don't give, the insurance company will give, right? So banks will start taking up higher risks, and this will be a moral hazard. Okay, ab jo deposit insurance hota hai, obviously what you said, premiums high. Premiums high is actually a mitigation strategy for this. It is a mitigation strategy for this कि higher premiums देने पड़ेंगे banks को, तो इसीलिए वो premium को set off करने के लिए they will have to do something, right? तो number one एक mitigation होता है higher premiums. Second is regulations. बहुत strict regulations impose होते हैं on banks, okay? And thirdly, what happens is कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. अभी हम लोग करेंगे रेगुलेशन ऑन कैपिटल, उसमें वी विल सी दैट द कैपिटल जो बैंक को मेंटेन करना होता है इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द काइंड ऑफ रिस्क दैट द बैंक इज टेकिंग अप. ठीक है, क्लियर डिपॉजिट इंश्योरेंस? हाँ, ओके ओके. नाउ let's come to regulations. So as I said, banks are heavily regulated. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैंक के capital requirements का. Why do banks have strict capital requirements? क्या करेगा वो capital banks के लिए? बैंक को तो रुपया ऑलरेडी मिल रहा है डिपॉजिटर्स से, उसको कैपिटल क्यों चाहिए? कि at the time of any भाई bank runs and all वापस पे करने का पैसा हो. Exactly. It is basically cushioning. One in every 1000 years जो इवेंट हो सकते हैं, कैन यू इमेजिन? 1 in 1000 years किसको बोलते हैं? बैंक्स हैव टू मेंटेन सफिशिएंट कैपिटल कि अगर कोई 1 in 1000 years वाला इवेंट भी हो तो उन लोग उसके लॉस को बेयर कर सकते हैं. ओके, एंड बैंक्स को ऑब्वियसली दो टाइप का कैपिटल होता है. एक होता है इकोनॉमिक कैपिटल एंड एक होता है रेगुलेटरी या सॉल्वेंसी और मिनिमम कैपिटल भी बोल सकते हैं कभी. डिफरेंस क्या होता है? ये होता है रेगुलेशन बेस्ड एंड ये होता है नीड बेस्ड. Economic capital is as if the bank is doing any business, तो इसीलिए वो अपना एस्टिमेट करते हैं कि मेरे को इतना लगेगा. बट जो रेगुलेटरी या सॉल्वेंसी कैपिटल या फिर मिनिमम कैपिटल होते हैं, दैट कैपिटल इज व्हाट द रेगुलेशंस हैव मैंडेटेड. तो ऑलवेज इकोनॉमिक कैपिटल इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू रेगुलेटरी कैपिटल, क्योंकि रेगुलेटरी तो मेंटेन करना ही होगा. अब जो रेगुलेटरी कैपिटल होते हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं? कुछ नॉर्म्स हैं जिनका नाम है बेसल नॉर्म्स. ओके, बेसल एक कमिटी है. बेसिकली ये नाम आया था बिकॉज ऑफ द प्लेस जहां पे ये सारे डिस्कशंस हुए थे. ओके, जब ये फोरम बना था इट वाज बेसिकली कि सब कंट्रीज के जितने भी बैंक रेगुलेटर्स थे, they came together and they gave in their ideas to ensure कि एक ऐसा regulation बने for banks कि across the globe banks maintain sufficient capital. Okay. Now what happens is पहले obviously कोई भी जब regulation आता है it has to be updated continuously, क्योंकि It is very tough to fathom all the risks that are going to arise in the future, right? तो पहले जब बेसल कमिटी बना था, जब फर्स्ट सेट ऑफ रेगुलेशंस निकला था, तो उस टाइम पे खाली क्रेडिट रिस्क था, ओके? जो बेसल 1 निकला था उसमें खाली क्रेडिट रिस्क कवर हुआ था, विच मीन्स कि बैंक्स विल हैव टू मेजर द क्रेडिट रिस्क ऑन देयर बुक्स एंड उतना क्रेडिट रिस्क के हिसाब से उन लोगों को कैपिटल रखना होगा। फिर क्या हुआ, उसके बाद में अमेंडमेंट आया, स्टैंडर्ड नहीं चेंज हुआ, सिर्फ वही अमेंड हुआ। दे इनकॉर्पोरेटेड मार्केट ऑल्सो, उन लोग बोले मार्केट रिस्क इज ऑल्सो अ वेरी बिग रिस्क फॉर बैंक्स, सो दे हैव टू कवर मार्केट एज वेल एज क्रेडिट रिस्क, ओके। फिर फाइनली आफ्टर मेनी 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 ईयर्स, क्योंकि ऑपरेशनल रिस्क इज वेरी टफ टू वैल्यू, आप सोचो ऑपरेशनल रिस्क में इतना कुछ हो सकता है, मार्केट रिस्क में यू स्टिल हैव डेटा, मार्केट रिस्क में यू आर स्टिल डीलिंग विथ क्वांटिफाइबल लॉसेस, ऑपरेशनल रिस्क में इट इज वेरी टफ टू क्वांटिफाई योर लॉस, वेरी वेरी टफ टू क्वांटिफाई योर लॉस, राइट? तो बट फाइनली बहुत मेहनत के बाद दे चेंज द रेगुलेशन इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट ऑपरेशनल रिस्क एज वेल, ठीक है? तो ये तीनों रिस्क मिला के जो भी रिक्वायरमेंट आएगा कैपिटल का, उसके हिसाब से मेंटेन होगा, ओके। एंड ऑल्सो कि ये तीनों को कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं, टिल डेट दे गेट अपडेटेड। We don't have this in detail in the curriculum right now, but till date they update how these values have to be calculated. क्योंकि कितना भी quantifiable हो, there is always subjectivity and estimation involved. Okay? तो इसीलिए ये बहुत important है. ये regulation every bank has to follow. And इसके लिए proper, in fact, insurance companies में भी होता है, banks में भी होता है. इन लोग का प्रॉपर ऑडिट्स होता है टू फाइंड आउट वेदर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर सफिशिएंट और नॉट। अच्छा, एक और चीज क्रेडिट रिस्क के बारे में, हम लोग क्रेडिट रिस्क बात किए थे, लोन्स पे होते हैं, प्लस ऑल्सो और भी डेरिवेटिव्स एंड ऑल, जो भी बैंक जितना भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जहां जहां पे भी रुपया लगाते हैं, सब जगह से क्रेडिट रिस्क आते हैं। एक और रेगुलेशन है कि बैंक को यूजुअली कुछ कंट्रीज में है कि कमिंग 12 मंथ्स में जो भी एक्सपेक्टेड लॉसेस है उनको वो दिखाना होता है। तो फॉर एग्जांपल बैंक का एसेट साइड में ऑन द बैलेंस शीट लोन्स कहाँ एग्जिस्ट करेंगे एज एसेट्स, राइट? बिकॉज लोन से उनको रुपया वापस मिलने वाले हैं, तो एसेट्स में लोन्स होगा। ऑन द बैलेंस शीट बैंक्स हैव टू शो एक्सपेक्टेड लॉसेस, they have to subtract expected losses on the face of the balance sheet from loans advanced, and usually ये होते हैं expected losses in next 12 months, कभी कभी हो सकता है over life भी हो, depending on regulation, कि अगला 12 months का loss या तो आपको दिखाना होगा या फिर over the entire life of the bank कितना losses expected है, okay? And जरूरी नहीं है कि ये loss हो गया या loss event हो गया, दिस इज कंप्लीटली एन एस्टिमेट, और ये सब इसका गाइडलाइंस दिया हुआ रहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए IFRS 17 होता है, बैंक्स के लिए IFRS 9 होते हैं। स्टैंडर्ड नंबर 9 इज फॉर बैंक्स, उसमें बताया जाता है हाउ टू कैलकुलेट दिस एंड हाउ टू प्रेजेंट दिस। सो दिस इज ऑल्सो वन रेगुलेशन फॉर क्रेडिट रिस्क, ओके। 1 in 1000 years I've already told you वो वाला रेगुलेशन। ऑलराइट, नाउ एज आई सेड ये तीनों को कैलकुलेट करने का मेथड्स आर कंटिन्यूसली अपडेटेड। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि एक तो हो सकते हैं कि जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन लोग एक स्टैंडर्ड मॉडल निकाल दें, उन लोग एक मॉडल रिलीज कर दे, मान लो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे या जो भी, जिसमें आपको कुछ इनपुट्स डालने होंगे अपने बुक्स के हिसाब से. यू हैव टू पुट इन सम इनपुट्स, लेट्स से आपका लोन क्या है, रेटिंग क्या है लोन्स का, ऐसे करके डेटा डालने से यू विल गेट एन आउटपुट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट एज पर बेसल. As per Basel, you will get. That is one way. But we know हर बैंक का जो books होता है, हर बैंक का जो mix होता है of business is very different. The kind of risks that every bank takes is very different. तो इसीलिए बहुत बार एक standard model might not be a solution to capital requirements. इसीलिए बैंक्स, इसलिए रेगुलेटरी बॉडीज अलाउड इंटरनल मॉडल्स, रेगुलेटरी बॉडीज अलाउड इंटरनल मॉडल्स टू बी बिल्ट बाय बैंक्स देमसेल्व्स. उन लोग कुछ गाइडलाइंस दे दिए कि इंटरनल मॉडल्स को क्या क्या कंडीशंस मीट करने होंगे, एंड उन लोग बोले बैंक्स को कि आप अपने रिक्वायरमेंट्स के, अपने बिजनेस के हिसाब से खुद इंटरनल मॉडल बना लो, राइट. बट ऑफ कोर्स ये काम नहीं कर पाया क्योंकि इंटरनल मॉडल्स को लोग बहुत मैनिपुलेट करने लगे. जब क्राइसिस हुआ 2007-8, बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस, इसके बारे में भी वन डे वी विल टॉक मे बी टुमारो. 2007-8 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उस टाइम पे, एंड ऑफ कोर्स और भी जो क्राइसिस हुए हैं सारे, उससे बेसल कमिटी को रियलाइज हुआ कि इंटरनल मॉडल्स पे हम लोग ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ फ्रीडम गिवन टू द बैंक्स ओवर हियर. तो इसीलिए पहले तो उन लोग ने क्या किया, सबसे मुश्किल है ऑपरेशनल रिस्क, राइट. ऑपरेशनल रिस्क को उन लोग ने कंपल्सरी कर दिया, स्टैंडर्डाइज्ड. दे सेड यू हैव टू यूज द स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल फॉर ऑपरेशनल रिस्क. मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क के लिए दे गेव एन ऑप्शन, उन लोगों ने ऑप्शन दिया स्टैंडर्डाइज्ड और इंटरनल. इंटरनल आपको सबसे पहले तो रेगुलेटर से अप्रूव कराना होगा, एंड आपको स्टैंडर्ड मॉडल से मेजर करना होगा, एंड यू हैव टू इंश्योर कि 72.5% मीट होना चाहिए. विच मीन्स अगर आपका स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल से लेट्स से 200 का आ रहा है कैपिटल रिक्वायरमेंट, 200 मिलियन मान लो, तो इंटरनल मॉडल से आपका कम से कम 72.5% आना चाहिए, विच इज 145. के नीचे अगर आया इंटरनल मॉडल का आउटपुट, देन योर इंटरनल मॉडल फेल्स. इट हैज टू बी एटलीस्ट 145 मिलियन. क्लियर है? एनी डाउट्स अप टिल योर? सॉरी, नो डाउट्स. ओके, गुड. इंटरेस्टिंग है? यू वांट मी टू change any way whatever I'm explaining, since it's the first class? So it's important that all of us are on the same page ki how we want to proceed with the class. If you all want, I can also make you all do a reading instead of explaining notes likh ke hum log seedha material bhi read kar sakte hain, but if you want explanation then we can do it like this also. नहीं दी एक्सप्लेनेशन ही ठीक है, रीडिंग कर करके थक गए फर्स्ट को. रीडिंग तो करना पड़ेगा, लेकिन इवन आफ्टर माय एक्सप्लेनेशन एक बार यू विल हैव टू गो थ्रू द चैप्टर्स. वो अलग है, बट अभी एक्सप्लेनेशन ही ठीक है. ठीक है, ओके. एवरीवन इज गुड विद दिस? एनीवन हु डिसएग्रीज, देन वी कैन फिगर आउट अ मिडवे और समथिंग. ठीक है, तो अभी इट्स 10. आज हम लोग यहीं तक रखते हैं. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो. ओके, जो भी बचा है वी विल अराउंड 3-4 टॉपिक्स हैं जो हम लोग को कवर करने हैं बैंकिंग में. वी विल कवर दोज टॉपिक्स एंड देन वी विल लुक एट क्वेश्चन आंसर्स, ताकि हम लोग का एक क्विक रिविजन हो जाए फॉर द एंटायर चैप्टर. ऑलराइट? ओके. So I hope all of you liked today's session and try and go through. आज हम लोग क्लास में जो भी टॉपिक्स किए हैं, you can go through the material and see अगर कोई भी doubts हो, anything that's written, any example that's given जो नहीं समझ में आए, you can ask me in the other sessions. ठीक है? So we'll keep it till here today. Thank you so much all of you. Thank you.